हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो सवाल होते हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, सवालों का वर्गीकरण। जो सवाल हैं इनका जो वर्गीकरण है वो जो जब माइक्रोस्कोप की पहचान हो गई, माइक्रोस्कोप की खोज हो गई, सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में क्या किया गया, ये जो एल्गी हैं इनका वर्गीकरण किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो सवालों का वर्गीकरण सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद जो 17वीं शताब्दी है उसके अंदर इसका जो है क्लासिफिकेशन जो है वो हो पाया। सबसे पहले एल्गी के क्लासिफिकेशन की जो बात है वो किसके द्वारा की गई थी, कैरोलस लिनियस के द्वारा करी गई थी। कैरोलस लिनियस, मैंने क्या बताया कि जो सवालों का जो वर्गीकरण है वो 17वीं शताब्दी के बाद में, क्या किया गया था, इसका जो वर्गीकरण है वो संभव हो पाया था। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया था, सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो किसने की थी, सबसे पहले एल्गी के क्लासिफिकेशन के बाद कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई थी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सवालों को लाइकेन के साथ ब्रायोफाइटा के हिपेटिसी में वर्गीकृत किया था। इन्होंने सवालों को लाइकेन के साथ ब्रायोफाइट्स के हिपेटिसी में सवालों को वर्गीकृत किया। अपन स्टार्टिंग से बात करें कि जब सवालों का वर्गीकरण स्टार्ट हुआ, कैरोलस लिनियस ने क्या किया, सवाल का वर्गीकरण की बात करी और इन्होंने क्या किया, लाइकेन के साथ ब्रायोफाइट्स के जो हिपेटिसी में इनको जो सवाल होते हैं इनको क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। अब कैरोलस लिनियस ने वो तो बता दिया कि ये ब्रायोफाइट्स के साथ मतलब इनको हिपेटिसिस में वर्ग में इन्होंने इसको रख दिया। लेकिन इसके बाद में क्या आए, जूसी नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या किया, इसे ब्रायोफाइटा से पृथक करके एक अलग समूह से इसकी क्या की पहचान की। जूसी नामक वैज्ञानिक आए, अगर इनके पूरे नाम की अगर अपन बात करते हैं, इनका पूरा नाम है ALD जूसी, जूसी नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने क्या किया, इनको ब्रायोफाइट से अलग किया, इनको ब्रायोफाइट से अलग समूह में रखा। यानी कि कैरोलस लिनियस ने इनको ब्रायोफाइट्स के साथ रखा था, लेकिन बाद में जूसी वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, इनको ब्रायोफाइट्स से अलग करके इनका एक अलग से क्या बना दिया, समूह बना दिया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, आगे और भी वैज्ञानिक आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपने अपने मतलब क्लासिफिकेशन का आधार मानकर, जैसे किसी ने जीवन चक्र को आधार माना, किसी ने ये जो सवाल होते हैं इनकी वर्णक, इनकी संरचना, इनकी जो स्ट्रक्चर को देखते हुए इनका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। जैसे जैसे आगे टाइम निकलता गया, बहुत सारे वैज्ञानिक आते गए जो एल्गी के ऊपर स्टडी कर रहे थे, सवालों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना मत प्रस्तुत किया, अपना अपना क्लासिफिकेशन का आधार मानकर इनका क्या किया, अलग अलग जो है वो वर्गीकरण किया। ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर अपन बात करते हैं जो सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि IUBN के अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि इनको मतलब ये जो एल्गी हैं इनके मतलब नोमेनक्लेचर के लिए कुछ क्या दिए गए थे, सफिक्स दिए गए थे कि मतलब इनका जो डिवीजन है वो कौन सा है, सब डिवीजन कौन सा है, क्लास कौन सी है, सब क्लास कौन सी है, इन सब में इनको क्या गया था। अगर अपन के इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर है उसके अकॉर्डिंग इनके जो सफिक्स दिए गए थे उनकी बात करते हैं। ICBN के अकॉर्डिंग, ICBN के अकॉर्डिंग सवालों के वर्गीकरण के निम्न सफिक्स दिए गए,
आईसीबीएन की फुल फॉर्म तो पता है ना, द इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये किसका हो गया? आईसीबीएन की फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे अपन इनके सफिक्स की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पे ही देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? इनके डिवीजन की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन कौन सा हो जाएगा? फाइटा। डिवीजन क्या हो गया? फाइटा हो गया। देन सेकंड बात करते हैं सब डिवीजन की। सब डिवीजन कौन सा हो जाएगा? सब डिवीजन हो जाएगा फाइटिना। थर्ड अपन बात करते हैं क्लास की। क्लास जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? फाइसी हो जाएगी। क्लास कौन सी हो जाएगी? फाइसी हो जाएगी। क्लास के बाद में सब क्लास जो है, क्लास कौन सी होगी? फाइसी होगी। सब क्लास जो है वो कौन सी हो जाएगी? फाइसीडी हो जाएगी। सब क्लास कौन सी हो जाएगी? फाइसीडी हो जाएगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एल्स हो जाएगा। एल्स। देन सब ऑर्डर। ऑर्डर कौन सा हो गया? एल्स हो गया। सब ऑर्डर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इन एल्स हो जाएगा। सब ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? इन एल्स हो जाएगा। देन फैमिली जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। फैमिली कौन सी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। सब फैमिली की अगर अपन बात करें तो कौन सी हो जाएगी? ओईडी हो जाएगी। सब फैमिली। ओईडी। सब फैमिली कौन सी हो जाएगी? ओईडी हो जाएगी। और इनका जो जीनस होता है वो ग्रीक नाम में होता है, और स्पीसीज जो होती है वो कौन से नाम में होती है? लैटिन नाम में होती है। जीनस ग्रीक नाम में, और स्पीसीज जो होती है वो कौन से नाम में होती है? लैटिन नाम में होती है। ये अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि जो आईयूसीबीएन के आईसीबीएन के अकॉर्डिंग जो इनका नोमेनक्लेचर के लिए जो सफिक्स दिए गए थे, जो वर्गीकरण का जो सफिक्स दिया गया था, क्लासिफिकेशन दिया गया था, वो सारे अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि डिवीजन कौन सा हो जाएगा? फाइटा हो जाएगा। सब डिवीजन फाइटिना हो जाएगा। क्लास फाइसी हो जाएगी। सब क्लास फाइसीडी हो जाएगी। ऑर्डर एल्स हो जाएगा। सब ऑर्डर इन एल्स हो जाएगा। फैमिली एसी हो जाएगी। सब फैमिली क्या हो जाएगी? ओईडी हो जाएगी। और अगर अपन इनकी जीनस की बात करते हैं तो ग्रीक नाम में होता है, और स्पीसीज की बात करते हैं तो वो कौन से नाम में होता है? लैटिन नाम में होता है। नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं इनके क्लासिफिकेशन में, तो अपन देखते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है, जैसे जो फ्रिस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया 1935 में सवालों के कुछ लक्षणों को प्रमुख आधार मानकर, सवालों के कुछ लक्षणों को प्रमुख आधार मानकर इनका क्या किया था? क्लासिफिकेशन किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फ्रिस की बात कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक थे फ्रिस नामक वैज्ञानिक ने 1935 में, फ्रिस ने 1935 में सवालों के कुछ लक्षणों को आधार मानकर सवालों का क्या किया गया था? सवालों का वर्गीकरण किया, सवालों का क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने वर्गीकरण के जो सवालों में जो वर्गीकरण का जो आधार माने थे, जो सवालों के लक्षण लिए थे, अपन उनकी भी बात करेंगे। इन्होंने क्या किया? इनके द्वारा स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, ये इन्होंने एक बुक लिखी थी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था? इन सवालों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। इनमें इसने क्या, इनको नामक प्रकाशन में सवालों को क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था। सवालों को वर्गीकृत किया था नामक प्रकाशन में।
कौन सा, अगर यहाँ पे इनका जो प्रकाशन का नाम भी कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी किसके द्वारा दिया गया था, फ्रिस ने 1935 में सवालों के क्लासिफिकेशन के लिए स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी नामक प्रकाशन दिया था, ठीक है। अब इन्होंने जो मतलब वर्गीकरण का आधार माना था, जो सवालों के लक्षण लिए थे वो कौन कौन से लक्षण लिए थे, इनके द्वारा लिए गए लक्षण, इनके द्वारा लिए गए लक्षण, जैसे इनके द्वारा लिए गए लक्षणों की बात करते हैं, सबसे पहले जो है इन्होंने बताया कि सवालों के जो थैलस की जो संरचना होती है, सवालों के थैलस की संरचना, थैलस की संरचना जो होती है किस प्रकार की होती है, थैलस की संरचना के आधार पर सवालों को क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। सेकंड क्या हो गया, जो इनमें संचित भोज्य पदार्थ होता है, संचित भोज्य पदार्थ के आधार पर कि किसमें मंड के रूप में हो रहा है या फिर मतलब स्टार्च के रूप में हो रहा है, ऑयल के रूप में हो रहा है या फिर प्रोटीन के रूप में हो रहा है, इनके आधार पर सवालों को क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट अपन बता सकते हैं फ्लैजिला की उपस्थिति तथा इनकी संख्या के आधार पर, फ्लैजिला की उपस्थिति यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं तथा कितने फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तथा इनकी संख्या को आधार मानकर सवालों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट सवालों में जो उपस्थित जो प्रजनन विधियां हैं, जो रिप्रोडक्टिव जो विधियां हैं, प्रजनन विधियां, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया। जो सवालों की कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन है, कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन के आधार पर, कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन को आधार मानकर इन्होंने क्या किया, सवालों का क्लासिफिकेशन किया। तो इन्होंने जो लक्षण लिए कि इनके थैलस की संरचना कैसी है, इनमें कैसा भोज्य पदार्थ संचित है, ठीक है, फ्लैजिला की उपस्थिति है तो कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है, प्रजनन विधियाँ क्या है, इनकी कोशिका विधि की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना व संगठन क्या है, इन सब को आधार मानकर इन्होंने क्या किया, इस सवालों का क्लासिफिकेशन किया। और क्लासिफिकेशन करके इन्होंने टोटल जो है कितने क्लास बताए, 11 क्लासेस जो है इन्होंने बताई। जो 11 क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं उनकी बात करते हैं। अब जो फ्रिस वैज्ञानिक थे उन्होंने सवालों के लक्षण के आधार पर जो टोटल 11 जो क्लास बताए थे, जो 11 समूह बताए थे सवालों के, वो कौन कौन से बताए थे, वो बताए थे क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बैसेलियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, देन क्लोरोमोनोडोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिग्जोफाइसी। ये टोटल इन्होंने क्या बताई थी, 11 जो समूह जो थे, 11 क्लासेस जो थे वो फ्रिस के अकॉर्डिंग बताए गए थे। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, जो स्मिथ नामक वैज्ञानिक आए 1955 में, इन्होंने 7 मतलब डिवीज़न दिए और इनको फिर आगे किस में डिवाइड किया, क्लासेस में डिवाइड किया। इन्होंने जो 7 डिवीज़न दिए ये किस आधार पर दिए, जैसे यहाँ पे जो फ्रिस नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने सबने क्या किया, जितने भी इन्होंने जो इनके लक्षण थे इनके आधार पर इन्होंने इनको टोटल मतलब 11 रूप में इनको ऐसे क्या कर दिया, क्लासिफाइड क्या कर दिया। लेकिन स्मिथ ने क्या किया कि जो क्लासेज में, जिन क्लासेज के अंदर या जिन डिवीज़न के अंदर, जिन समूह के अंदर थोड़ी बहुत समानताएँ थी, थोड़ी बहुत बंधुताएँ थी, उनको इन्होंने क्या कर दिया, एक ही डिवीज़न में रख दिया, ठीक है। स्मिथ ने क्या किया, जिनमें जिन डिविजन्स में आपस में थोड़ी बहुत बंधुताएं थी, थोड़ी बहुत समानताएं थी, उनको इन्होंने क्या किया, एक डिवीज़न में रख दिया और टोटल 7 डिवीज़न दिए। वो अपन कौन 7 डिवीज़न जो है वो अपन कौन कौन से पढ़ते हैं, जैसे ये आप लोगों को मोस्टली पता है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हरे सवाल होते हैं, फियोफाइटा जो फियोफाइसी होते हैं जिसमें भूरे सवाल होते हैं, रोडोफाइटा जिनको क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी या फिर अपन बोलते हैं जो लाल सवाल होते हैं, रोडोफाइट्स होते हैं, रोडोफाइसी होते हैं, ठीक है। ये अपन ने देखा क्लोरोफाइटा हो गया, फायोफाइटा हो गया और रोडोफाइटा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो टोटल जो 7 डिवीज़न दिए गए थे वो कौन कौन से हो गए, क्लोरोफाइटा हो गया, यूग्लिनोफाइटा हो गया, पायरोफाइटा हो गया, क्राइसोफाइटा हो गया, फियोफाइटा हो गया, साइनोफाइटा हो गया और रोडोफाइटा हो गया, ठीक है। ये मोस्टली अपन ने 3 जो अपन नॉर्मली रूप से अपन जानते हैं क्लासिफिकेशन, जब भी अपन सवालों का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन को 3 चीज़ें आराम से पता होती है कि जो क्लोरोफाइसी होते हैं, रोडोफाइसी होते हैं और जो फियोफाइसी होते हैं, हरे सवाल होते हैं, फियोफाइसी भूरे सवाल होते हैं और रोडोफाइसी जो होते हैं वो लाल सवाल होते हैं, ठीक है। अब इन 7 के बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं किसके बारे में, क्लोरोफाइटा के बारे में। यहाँ पर अपन सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे कि जो जिनको अपन ने
वर्गीकरण का आधार माना है कि मतलब इन जो सवाल है इनके कौन कौन से लक्षणों को, जैसे इनमें कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इनमें संचित जो भोज्य पदार्थ है वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन जो विधि है वो किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें जो है अभी अपन इस क्लासिफिकेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं किसके बारे में, क्लोरोफाइटा के बारे में। सबसे पहला जो डिवीजन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफाइटा। ये 7 डिवीजन में इनको विभक्त किया गया, फिर आगे इनको और क्लासेस में भी डिवाइड किया गया है। जैसे अगर अपन क्लोरोफाइटा की बात करते हैं तो इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक तो क्लोरोफाइसी में, एक किस में किया गया है, कैरोफाइसी में। एक तो किस में किया गया है, इसको मैंने लाल डब्बे में बंद किया है, इसकी एक क्लास तो क्या हो जाएगी, क्लोरोफाइसी यानी कि हरे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर फियोफाइटा की बात करते हैं, इसकी जो क्लास हो जाएगी, मतलब जैसे फियोफाइसी हो गई, रोडोफाइसी की एक क्लास हो जाएगी रोडोफाइसी, जिसमें क्या आते हैं, लाल सवाल आते हैं, ठीक है। फिर वापस चलते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, क्लोरोफाइटा की। जो क्लोरोफाइटा होते हैं ये अधिकतर अलवण जल में उपस्थित होते हैं, अधिकतर अलवण जल में उपस्थित, अधिकतर कौन से जल में उपस्थित होते हैं, अलवण जल में उपस्थित होते हैं। इनमें हरित लवक जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, ए और बी प्रेजेंट होता है, हरित लवक क्लोरोफिल। ए बी क्लोरोफिल जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ए व बी क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैसे हो गए, अलवणीय जल में हो गए। सेकंड अपना जो इम्पोर्टेंट जो लक्षण हो गया कि इनमें हरित लवक जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है वह ए तथा बी क्लोरोफिल जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड जो हो जाएगा, इनमें संचित भोजन जो होता है किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है, संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। संचित भोज्य पदार्थ क्या हो गया, मंड के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इनमें फ्लैजिला जो होते हैं उपस्थित होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कितने फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, 2 अथवा 4 फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 2 या 4 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, समान लंबाई के फ्लैजिला जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लैजिला होते हैं ये क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। ये अपन वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो अपन अपने वर्गीकरण का आधार माना है, ठीक है, कि कौन सा हरित लवक प्रेजेंट होता है, कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं, क्यों फ्लैजिला प्रेजेंट है या नहीं है, तो कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है। सुस्पष्ट केंद्रक जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, सुस्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट होता है, सुस्पष्ट केंद्रक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जनन जो होता है कायिक अलैंगिक व लैंगिक प्रकार का होता है, जनन 3 विधियों द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तथा लैंगिक, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 2 क्लासेस में वर्गीकृत किया गया है, 2 क्लासेस का आप लोगों को पता है। पहली क्लास जो हो जाती है वो कौन सी हो जाएगी, क्लोरोफाइसी हो जाएगी। पहली क्लास कौन सी हो जाएगी, क्लोरोफाइसी हो जाएगी। क्लोरोफाइसी में जिनको क्या बोलते हैं, हरे सवाल बोलते हैं, हरे सवाल। इनको क्या बोलते हैं, हरे सवाल बोलते हैं, क्लोरोफाइसी हरे सवाल। इनको मतलब डिटेल में भी पढ़ेंगे अपन, क्लोरोफाइसी को आगे अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हरे सवाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वोल्वोक्स हो गया, ठीक है। सेकंड जो क्लास होती है इनकी, सेकंड इनकी क्लास होती है, सेकंड कौन सी होती है, कैरोफाइसी होती है। सेकंड क्लास कौन सी होती है, कैरोफाइसी। सेकेंड क्लास कौन सी हो जाएगी, कैरोफाइसी हो जाएगी। स्टोन वर्ट एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, जैसे कारा, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो जाए कारा। और हरे सवाल का एग्जाम्पल, हरे सवाल का एग्जाम्पल जैसे वॉल्वोक्स हो गया,
ठीक है, ये हो गया क्लोरोफाइसिस, इसको मैंने डब्बे में बंद किया है, हरी सहवाल जिसको हरी सहवाल, फिर जो फियोफाइसी आएगा उसको भूरी सहवाल, जो रोडोफाइसी आएगा उसको क्या बोलते हैं, लाल सहवाल बोलते हैं। तो ये अपन ने देखा कि जो क्लोरोफाइटा है उसके जो लक्षण है वो हो गए। सेकंड क्लोरोफाइटा के बाद में सेकंड डिवीजन जो आता है वो कौन सा आता है, युग्लिनोफाइटा आता है। तो सेकंड डिवीजन हो जाएगा युग्लिनोफाइटा, सेकंड जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, युग्लिनोफाइटा हो जाएगा। युग्लिनोफाइटा जो होते हैं वो कौन से जल में प्रेजेंट होते हैं, अलवणीय जल में अथवा स्थलीय होते हैं, ये अलवणीय जल में उपस्थित होते हैं तथा कुछ सदस्य जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं, स्थल पे भी प्रेजेंट होते हैं, स्थलीय भी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए तथा बी और बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है, क्लोरोफिल ए बी तथा बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, ये अपन ने क्लोरोफिल की बात कर ली कि इनमें क्या होता है, इनके क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए बी तथा बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है। भोजन जो होता है वसा तथा मंड के रूप में संचित होता है, भोजन फैट वसा तथा स्टार्च मंड के रूप में मंड के रूप में संचित होता है, संचित भोज्य पदार्थ जो होता है। कसाबिका एक अथवा अधिक होती है तथा कहाँ प्रेजेंट होती है, अग्र सिरे पर प्रेजेंट होती है। कसाबिका यानी कि फ्लेजिला एक या अधिक हो सकती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, अग्र सिरे पर प्रेजेंट होते हैं। उपस्थित होती हैं, अगर सिरे पर उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन द्वारा ये वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन द्वारा वृद्धि करते हैं, यानी कि इनमें बार बार क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है जिससे इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस डिवीजन में एक क्लास सम्मिलित है, वो कौन सी हो जाएगी, युग्लिनोफाइसी हो जाएगी। अगर इसकी क्लास की बात करते हैं तो कौन सी हो जाएगी, युग्लिनो फाइसी, ये क्लास कौन सी हो जाएगी, युग्लिनो फाइसी हो जाएगी। अगर अपन यहाँ पे जो फ्रिस नामक वैज्ञानिक ने जो ये अपनी क्लास बताई थी, 11 जो क्लास बताई थी वही अपन पढ़ रहे हैं, जैसे क्लोरोफाइसी क्लास, क्लोरोफाइटा के अंदर जो क्लास है एक किस में डिवाइड की गई थी, क्लोरोफाइसी में डिवाइड की गई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे ये अभी अपन ने पढ़ी कि युग्लिनोफाइटा की जो क्लास है वो अपन क्या पढ़ रहे हैं, युग्लिनोफाइसी, कि युग्लिनोफाइटा को क्लास में वर्गीकृत किया गया वो कौन सा हो गया, युग्लिनोफाइसी हो गया। यहाँ पे ये फियोफाइसी, ये जो फियोफाइटा है उसकी क्लास हो जाएगी। यहाँ पे ये जो रोडोफाइसी हो गई, ये किसकी क्लास हो जाएगी, रोडोफाइटा की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फ्रिस ने दिया था, ये टोटल 11 क्लासेज उन्होंने दी थी, और वहीं जो स्मिथ वैज्ञानिक थे उन्होंने 7 डिवीजन दिए थे। उन्होंने जो आपस में जो बंधुताएँ रखने वाले जो डिवीजन थे उन्होंने उनको क्या कर दिया था, एक साथ रख दिया था, इसलिए उन्होंने कितने डिवीजन दिए, 7 डिवीजन दिए, और उनको फिर आगे किस में डिवाइड किया, क्लासेज में वर्गीकृत किया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आ गए कि इसने जो क्लास हो जाएगी इसकी वो कौन सी हो जाएगी, युग्लिनोफाइसी हो जाएगी। युग्लिनोफाइसी ये क्या कहलाते हैं, युग्लिनोइड्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल आप लोगों को पता ही है, क्या हो जाएगा, युग्लिना हो जाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा, युग्लिना हो जाएगा। थर्ड जो डिवीजन आता है, थर्ड कौन सा हो जाएगा, पायरोफाइटा हो जाएगा। तो थर्ड हेडिंग लगाते हैं पायरोफाइटा, पायरोफाइटा। थर्ड कौन सा हो जाएगा, पायरोफाइटा हो जाएगा। अब ये जो पायरोफाइटा है ये लवण व अलवणीय जल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लवणीय तथा इसके कुछ सदस्य जो होते हैं अलवण जल में प्रेजेंट होते हैं, कुछ लवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं, लवणीय तथा अलवणीय जल में उपस्थित। ठीक है, लवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं, अलवणीय जल में भी प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर में क्लोरोफिल ए सी बीटा कैरोटीन व जेंथोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए सी। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें बीटा कैरोटीन तथा जेंथोफिल,
बीटा कैरोटीन तथा जेंटोफिल जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। भोजन स्टार्च अथवा तेल के रूप में संचित होता है। संचित भोजन किसके रूप में? स्टार्च के रूप में तथा ऑयल के रूप में, तेल के रूप में होता है। ठीक है, संचित भोजन जो होता है किसके रूप में? स्टार्च अथवा तेल के रूप में हो गया। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। सेलवोल जो होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका भित्ति जो होगी इनमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फिर इनमें कशाबिकाएं जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, असमान लंबाई की होती हैं और अग्र सिरे पर प्रेजेंट होती हैं। फ्लेजिला प्रेजेंट होती हैं, असमान लंबाई की होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? अग्र सिरे पर प्रेजेंट होती हैं। अग्र सिरे पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो फ्लेजिला क्या हो गई? फ्लेजिला जो होती है इनमें अगर सिरे पर होती हैं, असमान लंबाई की होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। लगभग कितनी होती हैं? दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। कितने फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? दो फ्लेजिला जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो लगभग क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इनमें जनन जो होता है किसके द्वारा होता है? विभाजन द्वारा होता है। कहाँ लिखें? इधर लिख देती हूँ, जनन और विभाजन द्वारा सेल डिवीजन होता है। लैंगिक जनन जो होता है अधिकांशतः लैंगिक जनन इनमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, इनको क्या किया गया है? दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। दो क्लासेस जो हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी डेस्मोफाइसी और दूसरी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? डायनोफाइसी हो जाएगी। तो इसकी दो क्लास हैं। एक तो डेस्मोफाइसी और दूसरी क्लास जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? एक तो डेस्मोफाइसी होगी, दूसरी कौन सी क्लास होगी? डायनोफाइसी। एक डेस्मोफाइसी क्लास होगी और दूसरी कौन सी होगी? डायनोफाइसी होगी। डेस्मोफाइसी का एग्जांपल डेस्मोकैप्सा हो जाएगा और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डायनोफाइसिस हो जाएगा। डेस्मोकैप्सा और इसका क्या हो जाएगा? डायनोफाइसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया अपन ने? तीसरा जो डिवीजन था पायरोफाइटा वो कर लिया। पायरोफाइटा के बाद में फोर्थ डिवीजन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा? क्राइसोफाइटा हो जाएगा। तो फोर्थ हेडिंग लगाते हैं क्राइसोफाइटा। फोर्थ डिवीजन हो जाएगा कौन सा? क्राइसोफाइटा हो जाएगा। क्राइसोफाइटा लवणीय व अलवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं। इनमें वर्णक की अगर अपन बात करें तो कौन सा वर्णक जो होता है प्रेजेंट होते हैं? वर्णक इनमें कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। संचित भोजन जो होता है वो तेल व ल्यूकोसिन के रूप में होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी से विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। अगर इनकी क्लासेस की बात करें, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा क्राइसोफाइसिस, इनको सुनहरी भूरी शैवाल बोलते हैं। जेंथोफाइसी पिथहरी शैवाल बोलते हैं। और बेसिलरियोफाइसी डाइएटम्स जिनके अंदर आते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ डिवीजन हो जाएगा फियोफाइटा, जिनको क्या बोलते हैं? भूरी शैवाल बोलते हैं। ठीक है, जो भूरी शैवाल होते हैं कहाँ प्रेजेंट होती हैं? समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। इनको समुद्री खरपतवार भी बोलते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फियोफाइटा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं? समुद्री खरपतवार भी बोला जाता है। इनमें वर्णक जो होता है कौन सा प्रेजेंट होता है? फ्यूकोजेंथिन व वायलोजेंथिन वर्णक जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। भोजन मैनिटोल व लेमिनेरिन के रूप में होता है। लेमिनेरिन जो होता है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। मैनिटोल की बात करें तो क्या होता है? अल्कोहल होता है। ठीक है, भोजन किसके रूप में हो गया? मैनिटोल व लेमिनेरिन के रूप में हो गया। नेक्स्ट, सेलुलोज भित्ति में दो अम्ल प्रेजेंट होते हैं। एक तो एल्जिनिक अम्ल होता है और एक कौन सा होता है? फ्यूसिनिक अम्ल जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है। जनन समयुग्मकी से विषमयुग्मकी का होता है। तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक तो आइसोजेनेरिटी, हेटेरोजेनेरिटी और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? साइक्लोस्पोरी होता है। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे आइसोजेनेरिटी की बात करें तो एक्टोकार्पस हो गया, हेटेरोजेनेरिटी की बात करें तो लेमिनेरिया हो गया, और साइक्लोस्पोरी की बात करें तो क्या हो गया? फ्यूकस हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद में सिक्स जो डिवीजन आता है वो कौन सा आता है? साइनोफाइटा होता है, जिसको नीली हरी शैवाल बोलते हैं। ये क्या होते हैं? साफ व अलवणीय जल में प्रेजेंट होते हैं। वर्णक जो होता है सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है। संचित भोजन इनमें किसके रूप में होता है? साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। क्लास जो होती है इसकी एक क्लास होती है जिसको मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी बोल देते हैं। एग्जाम्पल हो गया नोस्टोक। ठीक है, ये सिक्स डिवीजन हो गया साइनोफाइटा। सिक्स डिवीजन के बाद में लास्ट जो सेवन्थ डिवीजन आता है वो कौन सा होता है? रोडोफाइटा होता है, जिनको क्या बोलते हैं? लाल शैवाल बोलते हैं।
कई बार समुद्र जो होता है पूरा ऐसे लाल रंग का दिखाई देता है, ये समुद्री होते हैं, ठीक है। क्यों, किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर ये लाल शैवाल जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे उस टाइम होते हैं, तो इसलिए वो कैसे दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। तो ये लाल शैवाल होते हैं, इनमें वर्णक जो होता है आर फाइकोरिथ्रिन होता है, संचित भोजन जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, जल कोशिकाएँ इनमें अनुपस्थित होती हैं, इनमें भी जल कोशिकाएँ अनुपस्थित होती हैं, ये जो साइनोफाइटा होते हैं इनमें भी, ठीक है। फिर इसमें बताया चल कोशिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। थैलस इनका जटिल प्रकार का होता है, लैंगिक जनन कैसा होता है, विषम युग्म की होता है। एक क्लास होती है वो कौन सी होती है, रोडोफाइसी, जिसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया पोलीसाइफोनिया। ये आज के लेक्चर में अपन ने जो इनका जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का क्लासिफिकेशन वो देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन ने जो जो पढ़ा। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई थी वो 17वीं शताब्दी में हुई थी, माइक्रोस्कोप की जो आविष्कार हुआ था उसके बाद में। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, फिर कैरोलस लिनियस ने इसको ब्रायफाइटा के साथ रखा था, फिर एक जूसी नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसको ब्रायफाइटा से अलग रखा। देन उसके बाद में अपन जो ICBN के अकॉर्डिंग जो इनका जो सफिक्स दिए गए थे वो उसकी बात करी, सफिक्स के बाद में अपन ने देखा कि फ्रिस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1935 में सवालों का क्लासिफिकेशन एक प्रकाशन में दिया, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, जिन्होंने सवालों के कुछ लक्षण लेकर इन्होंने इनका वर्गीकरण किया, जैसे थैलस की क्या संरचना है, संचित भोजन क्या है, फ्लेजिला प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है तो कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति का संरचना व संगठन किस प्रकार की, प्रजनन विधियां कौन सी हैं, ये कुछ लक्षण लिए जिनके आधार पर इन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन किया और पूरी टोटल 11 क्लास दी, ठीक है, ये टोटल 11 क्लास अपन ने बताई। उसके बाद में स्मिथ नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने भी वर्गीकरण का आधार बताया और उन्होंने इसको 7 डिवीजन में क्लासिफाइड किया। 7 डिवीजन में कैसे क्लासिफाइड किया, जिन डिवीजन की आपस में बंधुताएं थी, थोड़ी बहुत समानताएं थी, उन्होंने उसको एक किसमें कर दिया, एक डिवीजन में रख दिया, और फिर उन डिवीजन को आगे फिर क्लासेस में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। इसके जो 7 डिवीजन है वो है क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा और रोडोफाइटा। इन सब के बारे में एक के बारे में पढ़ा, क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा को फिर बाद में कितने क्लासेस में, 2 क्लासेस में, एक तो क्लोरोफाइसी हो गई और एक दूसरी कौन सी होगी, कैरोफाइसी होगी, 2 क्लासेस में वर्गीकृत किया। फिर यूग्लिनोफाइटा की बात करते हैं, यूग्लिनोफाइटा को एक क्लास में यूग्लिनोफाइसी में वर्गीकृत किया। यूग्लिनोफाइटा के बाद में थर्ड अपन ने देखा पायरोफाइटा, पायरोफाइट को 2 क्लासेस में क्लासिफाइड किया, एक तो डेस्मोफाइसी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, डाइनोफाइसी हो गया। फिर फोर्थ जो डिवीजन आता है, फोर्थ डिवीजन कौन सा आता है, क्राइसोफाइटा होता है, इसको 3 क्लासेस में वर्गीकृत किया गया, एक तो क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी और बेसिलियोफाइसी। फिर फिफ्थ जो डिवीजन आता है वो कौन सा आता है, फियोफाइटा होता है, फियोफाइटा को फिर इसने कितने क्लासेस में डिवाइड किया, 3 क्लासेस में, आइसोजेनरिटी, हेटेरोजेनरिटी और साइक्लोस्पोरी। फिर इसके बाद में सिक्स्थ जो आता है साइनोफाइटा, साइनोफाइटा को एक क्लास में डिवाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया, मिक्सोफाइसी या फिर इसको क्या बोलते हैं, साइनोफाइसी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो रोडोफाइटा होता है उसको भी एक क्लासेस में क्लासीफाइड किया गया, वो कौन से हो जाएगी, रोडोफाइसी हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में अपन ने देखा एल्गी का क्लासिफिकेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।